नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल में टी वाई टेक्निकल यश अग्रवाल। और आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ इस टाइप के ऐप के बारे में जो कि शायद आपने ऐप कभी देखा ही नहीं होगा। वो ऐप ऐप को लॉक्स करने के लिए काम आता है। मतलब आप अगर आप नहीं चाहते कि आपका व्हाट्सएप गैलरी या फिर फेसबुक कोई आपके बिना परमिशन कोई खोल के देखे तो वह आपके काफ़ी यूज़फुल है। जैसे आप अपने फ़ोन में ऐप लॉकडाउन करते हो तो आप जब भी कोई आपके ऐप फ़ोन को बिना परमिशन के टच करता है और आपके किसी भी एप्लीकेशन को खोलने की कोशिश करता है तो एक लॉक आ जाता है, तो वो आपसे लॉक पूछ लेता है। या फिर कई बार होता है कि उसको लॉक पता होता है तो उस केस के अंदर आपको आपका फ़ोन इतना ज़्यादा सिक्योर नहीं रहता उस वाले केस के अंदर। तो अब मैं आपको आज की वीडियो में आपको इस टाइप का ऐप बताने जा रहा हूँ जिसके अंदर आपका फ़ोन टोटली सिक्योर है। मतलब अगर कोई आपकी गैलरी ओपन करके देखेगा तो उसके अंदर कोई लॉक नहीं आएगा। उस टाइम आपके जैसे कोई गैलरी खोल के ओपन करके देखे आप एक कुछ इस टाइप की फ़ोटो फिर हो जाएगी, इसमें लिखेगा आप गैलरी नहीं खोल सकते या फिर कुछ भी जो आप उसको बोलना चाहते हैं या कुछ लिख के बताना चाहते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो को पूरा देखिएगा और आपको इस इंटरेस्टिंग ऐप के बारे में अच्छी तरह नॉलेज हो जाएगी। चलिए शुरू करता हूँ आज की वीडियो को। दोस्तों इस ऐप का नाम है के नोट, नाम से दोस्तों इस टाइप का ऐप लगा जिसके अंदर आप अपने नोट्स टाइप कर सकते हैं। तो हाँ दोस्तों, ये ऐप इसी चीज़ के लिए बना हुआ है, नोट्स टाइप करने के लिए। पर इस ऐप के अंदर एक सीक्रेट ट्रिक है जिससे आप अपने फ़ोन के और ऐप्स लॉक कर सकते हैं, इसलिए तो ये ऐप इतनी ज़्यादा खास है। मतलब आप अगर आप इस ऐप को अपने फ़ोन में रखते हैं तो किसी को पता नहीं चलेगा कि आपने किसी लॉक ऐप लॉक करने वाली एप्लीकेशन को भी रख रखा है। अब दोस्तों ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर काफ़ी आसानी से मिल जाएगी। इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है और बाकी का दोस्तों वो आगे का इस ऐप का रिव्यू मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्ड के थ्रू दूंगा। तो चलिए चलते हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन की तरफ। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं के नोट के नाम से इधर अपीयर हुआ है। मैंने इसको अभी भी डाउनलोड करा है, आप इसको अब डाउनलोड कर लीजिए। और दोस्तों ये ऐप आपको प्ले स्टोर पे के नोट के नाम से आपको सर्च करने को मिलेगा ओप्स ऐप लॉक के नाम से। मैं आपको दिखा देता हूँ जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। मैं प्ले स्टोर ओपन करता हूँ। देखिए मैंने के नोट सर्च करा हुआ, इधर ऐप आया ओप्स ऐप लॉक के नाम से। अब इस नाम से क्यों डाउनलोड हुआ है, के नोट के नाम से क्यों डाउनलोड हुआ है, इसके रीज़न आपको ऐप ओपन करते ही मिल जाएगा। देखिए इंस्टॉल्ड एज के नोट टू हाइड फ्रॉम अदर ऐप्स इज इंस्टॉल्ड एज के नोट। अब दोस्तों ये और ऐप से छुपने के लिए के नोट के नाम से सेव हुआ है जिससे पता ना लगे कि ये कोई ऐप लॉक करने का ऐप है। आप सेट करेंगे तो इधर ये इधर बता रहा है कि आपको ये जो आप इसको यूज़ करते हैं तो अगर आप किसी ऐप पे इसको लगाते हैं तो फिर वो ऐप आपके वॉल्यूम बटन के थ्रू अनलॉक होगा, जो कि इस ऐप की काफ़ी खास बात लगी मेरे को। अब दोस्तों इधर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है इसकी। अब इधर आपको करना है सेटअप पासवर्ड। अब दोस्तों आपको सेलेक्ट करना है कि आप अपने वॉल्यूम बटन को कितनी बार दबाएंगे। मैं 2 पे क्लिक कर देता हूँ। अब मेरे को अपने वॉल्यूम बटन से पासवर्ड लगाना है। मैं एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव कंफर्म करने के लिए दोबारा एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। अब दोस्तों ये मैंने अपना लॉक लगा दिया। अब आपको एक रिकवरी पासवर्ड रिकवरी के लिए एक क्वेश्चन सेलेक्ट करना है। मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ विच इज़ योर फेवरेट वेब ब्राउज़र, और इधर मैं टाइप कर देता हूँ गूगल क्रोम, जिससे अगर मैं बाई चांस अपना ये वॉल्यूम वाला पासवर्ड भूल जाता हूँ वॉल्यूम बटन वाला, तो मैं इस बैकअप क्वेश्चन के थ्रू अपने पासवर्ड को दोबारा बैकअप कर सकता हूँ, रिकवर कर सकता हूँ। गूगल क्रोम मैंने सेटअप पर क्लिक करा। अब देखिए दोस्तों, अब आपका ये इधर लिखा हुआ है एंटर योर वॉल्यूम की पैटर्न टू ओपन मेन एप्लीकेशन। अब दोस्तों एप्लीकेशन आपकी सेटअप हो चुकी है, आपका पासवर्ड लग चुका है, अब आपको सारी चीज़ें क्लियर कर देनी है। अब जब भी कोई इस ऐप की एप्लीकेशन को खोलेगा तो आप उसके सामने कुछ इस तरीके का कुछ अपीयर होगा जिससे उसको लगेगा कि ये के नोट कोई नोट टाइप करने की एप्लीकेशन है। बस अगर आपको बट अगर आपको मेन एप्लीकेशन ऑन करनी है तो आपको अपना लॉक लगाना पड़ेगा जो कि आपने वॉल्यूम बटन पर लगाया था, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। देखिए मैंने लॉक लगाया। अब दोस्तों इधर आपका मेन वाली एप्लीकेशन खुल गई जिसका नाम है ओप्स ऐप लॉक। आपको ऐप लॉक को ऑन कर देना है, जो ऊपर ऑप्शन दिया गया है ग्रीन कलर का हो गया। देखिए हमारा ऐप लॉक को ऑन हो चुका है, आपकी सारी एप्लीकेशन अपीयर हो जाएगी। थोड़ा लोडिंग होने में टाइम ले रहा है। देखिए दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं सारे एप्लीकेशन इधर अपीयर हो चुके हैं और आपको बगल में एक लॉक दिख रहा है जो कि अभी अनलॉक हुआ हुआ है। अब आपको जिस भी एप्लीकेशन पे लॉक लगाना है आपको उस पर कर देना है, आपको उस लॉक पे क्लिक कर देना है। देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने अपना DSLR ब्लर ऐप लॉक कर दिया है। अगर मैं इस ऐप को ओपन करता हूँ तो देखिए मेरे सामने एक ब्लैक कलर की स्क्रीन अपीयर हो गई। अब मेरे को अपना लॉक लगाना है वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम माइनस, मेरा ऐप ओपन हो गया। अब सोचो अगर आप चाहते हैं कि कुछ इस टाइप का लॉक अपीयर हो जिसके अंदर कोई फ़ोटो आ जाए, जैसे कि दिस एप्लीकेशन इज नॉट फॉर यू या फिर DSLR एप्लीकेशन बंद है, इस टाइप को अगर कुछ आप चाहते हैं ऐसा हो तो आप कस्टम पर क्लिक कर दीजिए। कस्टम पर क्लिक करेंगे, गैलरी में जाइए
उसके बाद आप जो भी लगाना चाहते हैं कि मेरी एप्लीकेशन पे ये वाले स्टेप का आए, जैसा कि मैं अभी ये लगा देता हूँ, एक ज़ीरो मूवी का ये फ़ोटो लगा देता हूँ। देखिए कस्टम हो चुका है। अब जैसे ही मैं इधर डीएसएल वाले ऐप को खोलता हूँ, उनको दोबारा करके दिखा देता हूँ। देखो तो जैसे कि मैं आपके सामने कर रहा, जैसे मैंने डीएसएल वाले ऐप को खोला तो मेरे सामने जीरो मूवी का एक पोस्टर आ गया। अब दोस्तों ऐसे आप कोई ऐसी फ़ोटो एडिट कर सकते हैं जिसके अंदर लिखा हुआ होगा कि डीएसएल वाले ऐप इज़ नॉट फॉर यू, या फिर कुछ भी ऐसी फ़ोटो जो कि आप दिखाना चाहते हैं सामने वाले को, आप वो इधर लगा सकते हैं। आप जितनी बार भी इस ऐप को खोलेंगे आपको अपना वॉल्यूम की वाला पासवर्ड लगाना पड़ेगा। अगर आप ट्रांसपेरेंट पर क्लिक करते हैं तो देखते हैं, ट्रांसपेरेंट पर क्लिक करते हैं तो फिर अगर आप ट्रांसपेरेंट पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ स्टेप का अपीयर होगा, बट आप इसको इस ऐप को आप यूज़ नहीं कर पाओगे। मतलब ये आपके सामने खुल तो जाएगा बट आप इसको यूज़ नहीं कर पाओगे। अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हो तो आपको एक बार प्लस एक बार माइनस दबाना पड़ेगा। अब आप इस ऐप को यूज़ कर सकते हो, देखिए अब इस ऐप को बड़ी आसानी से यूज़ कर पाओगे। दोस्तों मेरे को काफ़ी बढ़िया एप्लीकेशन लगी है, आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं प्ले स्टोर पर आपको काफ़ी सारे तरीके से मिल जाएगी। आज की वीडियो में इतनी, अगर आज की वीडियो को पसंद है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए जिससे और भी लोगों को इस ऐप के बारे में पता चल सके, और वीडियो के नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा जिससे आप नेक्स्ट वीडियो के लिए, अगर आप चाहते हैं कि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपके दिए हुए टॉपिक पर हो तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद टेक्निकल यश अग्रवाल।